के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व और उनके सतत प्रयासों से अब मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल चुकी है। प्रदेश में अब तक 5 संभागों में 5 सफल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुके हैं, जिससे प्रदेश में भारी निवेश की बौछार सी आ गई है। अब तक हुए 5 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करीब 1,00,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास को मिल रही रफ्तार, सूबे में हो रही है निवेश की बौछार, रोजगार के अवसर भी अपरंपार। सीएम मोहन ने संभाली है कमान, सूबे के मुखिया का ये है डेवलपमेंट प्लान। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से हो रहा कमाल, ये है आर्थिक विकास का मोहन मॉडल। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रदेश के आर्थिक विकास और निवेश को लेकर विजन का ही ये कमाल है कि प्रदेश में बीते कुछ महीनों में ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से करीब 1,00,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। ये सीएम मोहन यादव की इच्छा शक्ति का ही कमाल है कि देश की बड़ी बड़ी नामी कंपनियां मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टरों में भारी निवेश की इच्छा जता रही हैं। ये सीएम मोहन यादव का निवेश को लेकर प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल अप्रोच ही है कि हर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बड़े बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा प्रदेश में लग रहा है। मध्य प्रदेश में यूं तो पहले भी निवेश की कई कोशिशें होती रही हैं, इसके लिए कई इन्वेस्टमेंट समिट भी होते रहे हैं, लेकिन वो प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे प्रमुख शहरों तक ही सीमित रहा करते थे। लेकिन जब से प्रदेश की कमान मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभाली है, उन्होंने निवेश की संभावनाओं और कोशिशों को नया आयाम देते हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आगाज किया, जिसके तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों के साथ ही साथ ऐसे शहरों में भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराए जा रहे हैं जहां निवेश की अपार संभावनाएं तो थीं, लेकिन वो अब तक इससे अछूते रहे। सीएम डॉक्टर मोहन ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही प्रदेश के आर्थिक विकास और निवेश पर जोर देना शुरू किया और इसके लिए लीक से हटकर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू हुआ। प्रदेश में सबसे पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ सीएम मोहन के गृह क्षेत्र उज्जैन से और तब से ये सिलसिला जारी है। अब तक के हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करें तो इसी साल फरवरी के महीने में उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इसके बाद जुलाई 2024 में जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराया गया। इसके बाद अगस्त महीने में भी ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया गया। इसके बाद सितंबर में सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ और अब अक्टूबर में भी रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में हुए अब तक इन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करें तो इससे अब तक प्रदेश में करीब 1,00,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। उज्जैन में 10,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला, जिससे 10,000 रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। जबलपुर में 13,375 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले, जिससे 13,400 रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। ग्वालियर में 8,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला, उससे 35,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। वहीं सागर में 23,181 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले, जिसके जरिए 27,375 रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। और रीवा में 31,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 14,000 रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। साफ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व और उनके सतत प्रयासों से अब मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की नई रफ्तार मिल चुकी है। अब तक 5 संभागों में सफल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश में भारी निवेश की बौछार सी आ गई है, जिसका फायदा प्रदेश के उन इलाकों को मिल रहा है जहां जहां ये कॉन्क्लेव हो रहे हैं। अब तक हुए 5 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करीब 1,00,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव आ चुका है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन से प्रदेश को बहुआयामी लाभ हो रहा है। इससे प्रदेश में भारी निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं, अलग अलग इलाकों में उद्योग धंधे लग रहे हैं,
प्रदेश की आर्थिक सेहत में भी सुधार आ रहा है। इसके जरिए स्थानीय युवाओं का पलायन भी आने वाले वक्त में रुकेगा, प्रदेश के अंदर रोजगार मिलेगा, साथ ही दूसरे प्रदेशों से दूरस्थ इलाकों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश अब देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है और अब वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश देश के विकास की गाथा लिखेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है उनका फोकस एमपी को औद्योगिक विकास में नंबर वन बनाना है। तभी तो चाहे उनके फैसले हों या फिर इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए स्कीमें, उनका मुख्य फोकस प्रदेश का विकास है। इसी कड़ी में एमपी एक बार फिर तैयार है निवेश की संभावनाओं को आकर्षित कर उसको खुद में समाहित करने के लिए। टीम न्यूज स्टेट। जी हाँ, ये निवेश का मोहन मॉडल है जिसका असर जमीन पर दिखने लगा है। बीते 23 अक्टूबर को रीवा में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने विंध्य में निवेश के नए द्वार खोल दिए हैं। इस सफल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के 31,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। विंध्य के क्षेत्र में तो आज वाकई नया शुरू होगा। विंध्य के क्षेत्र में तो आज वाकई नया शुरू होगा। मध्य प्रदेश आपके लिए एक सुंदर सुरक्षित स्थान। जो व्यापार बढ़ रहा है बहुत तेजी से, इससे बेरोजगारी की समस्या दूर हुई है। मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक पृष्ठभूमि के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखता है। यहाँ जंगल, नदियों और पुरातन संस्कृति का एक अनोखा संगम है। यहाँ खनिजों का भंडार है और उद्योग के तमाम अवसर मौजूद है। बावजूद इसके औद्योगिक विकास की रेस में एमपी वो हासिल नहीं कर पाया जो उसे अब तक पा लेना चाहिए था। लेकिन ये नया एमपी है, ये अब प्राकृतिक संसाधनों के साथ उद्योग धंधे में भी नंबर वन बनेगा और इसका बीड़ा उठाया है खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, जिसके लिए प्रदेश के मुखिया प्रदेश के अलग अलग अंचलों के छोटे शहरों में रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव कराकर प्रदेश के लिए निवेश ला रहे हैं और अब इसका असर जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। बीते दिनों रीवा में हुए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में खुद सीएम मोहन यादव ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में नया सूर्योदय हो चुका है और इस कॉन्क्लेव में उद्योग और निवेश को लेकर जिस तरह का उत्साह नजर आया उससे ये प्रतीत भी हो रहा है। सीएम मोहन यादव की सरकार में मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार पकड़ रहा है और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से छोटे जिलों में भी निवेश के द्वार खुल चुके हैं। रीवा में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कई उद्योगपतियों ने निवेश का वादा किया जिसमें 4,000 उद्योगपतियों ने शिरकत की। सीएम मोहन यादव ने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की और बताया कि कई कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए गए। एमपी औद्योगिक विकास निगम एमपीआईडीसी और नगर निगम के बीच एक एमओयू हुआ है ताकि हमारे बीच औद्योगिक निवेश क्षेत्र में जल की आपूर्ति हो और नगर निगम और बैंक में परस्पर इसका आदान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और एकेएस यूनिवर्सिटी सतना के मध्य एमओयू किया गया जिसके माध्यम से हमारे रोजगार पर विभिन्न प्रकार के कोर्स के संचालन के लिए, इंटर्नशिप के लिए और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसका ये अपना एक परस्पर विश्वविद्यालय की भूमिका रहेगी। रीवा में निवेश के महाकुंभ में निवेशकों ने जो वादे किए उसके मुताबिक रीवा में 31,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं जिससे 14,000 रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। रीवा में 10,000 करोड़ का निवेश करेगा पतंजलि। फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, आईटी और सोलर के क्षेत्र में काम करेगी पतंजलि। रीवा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। रीवा में अडानी ग्रुप प्लांट लगाएगा। सिंगरौली, सीधी, मऊगंज और मैहर में एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा। साथ ही रीवा और सतना में नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र बैढ़न में 84 लाख रुपए की जल आपूर्ति योजना, हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप की जाएगी। साथ ही कटनी और सिंगरौली में डिपो बनाए जाएंगे। रीवा रीजनल इंडस्ट्री समिट में रिलायंस बायो एनर्जी के बिजनेस हेड हरिंद्र के त्रिपाठी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने प्रदेश में बायो एनर्जी के क्षेत्र में भारी निवेश करने की बात कही। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में पतंजलि की तरफ से आचार्य बालकृष्ण ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने इन्वेस्टर समिट की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए पतंजलि का बेहतरीन योग आयुर्वेद वेलनेस सेंटर बनाने की बात कही। मुख्य रूप
रूप से फूड प्रोसेस में काम करेंगे, यहाँ पर ऑयल प्रोसेसिंग के ऊपर भी हम काम करेंगे। सीएम मोहन यादव ने कॉन्क्लेव में शामिल उद्योगपतियों से संवाद कर विंध्य में औद्योगिक विकास की संभावनाओं और मध्य प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीति के बारे में बताया और कहा कि विंध्य क्षेत्र खनिज संपदा और पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर सीएम ने कहा कि सच्चे अर्थों में ये यज्ञ हो रहा है और हर कोई आहुति देने को तैयार है। सीएम मोहन यादव की कोशिश हर जिले में उद्योग की अपार संभावनाओं को तलाश कर निवेशकों को जुटाना है, जिससे प्रदेश में बेहतर निवेश के नए द्वार खुले। टीम न्यूज़ स्टेट। रीवा से पहले सितंबर के महीने में सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। सागर में हुई इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड को क्या मिला है, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी को लेकर प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और रीवा से पहले सागर में भी सितंबर के महीने में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें सरकार को 23,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव मिले थे। सागर में निवाड़ी में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने का भी प्रस्ताव मिला, साथ ही सुर्खी में डेटा सेंटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव मिला। वहीं पन्ना में 1500 करोड़ की लागत से सीमेंट फैक्ट्री बनेगी तो गीतांजलि ग्रुप 3200 करोड़ का निवेश करेगी। गीतांजलि ग्रुप निवाड़ी में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाएगी, साथ ही मध्य भारत एग्रो कंपनी बंडा में 500 करोड़ का निवेश करेगी। इन उद्योगों के लगने से 28,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। तो यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सागर में हुए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव ने ये भी बताया था कि उनका लक्ष्य आने वाले 5 सालों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का है, जिसे वो 3 साल में ही पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सागर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 3,000 से ज्यादा डेलीगेट्स और उद्योगपति शामिल हुए थे। पर्यटन के साथ निवेशकों ने सागर में एग्रो इंडस्ट्री और खनन के क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई, जिसका बड़ा कारण ये रहा कि पूरे बुंदेलखंड और आसपास में भरपूर अनाज सब्जी उत्पादन के साथ ही सभी जिलों में खनिज मौजूद है। टीम न्यूज़ स्टेट। रीवा और सागर से पहले अगस्त के महीने में ग्वालियर में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल में रिकॉर्ड निवेश का प्रस्ताव आया। मोहन सरकार में मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर है। प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए सीएम मोहन यादव क्षेत्रीय स्तर पर निवेश की कोशिश में लगे हुए हैं। अगस्त के महीने में ग्वालियर में भी निवेशकों का मेला लगा, जहां 6 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे तो कई नामी उद्योगपति भी पहुंचे थे। देश विदेश के उद्योगपतियों की ओर से वहां 8,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। बीहड़ की जमीन पर कई नामी कंपनियां अपनी यूनिट लगाने को तैयार हुई हैं। निवेशकों ने गुना ग्वालियर समेत आसपास के क्षेत्र में बड़े निवेश का वादा किया है और 9 सेक्टर के उद्योगपतियों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेंगे और ग्वालियर की तस्वीर बदलने का रास्ता साफ होगा। ग्वालियर की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 8,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है और इसका 43% अडानी ग्रुप निवेश करेगा। इससे 4500 लोगों को रोजगार का अनुमान है। साथ ही गुना शिवपुरी में अडानी ग्रुप 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। वहीं गुना में 500 करोड़ की सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगेगी। बदरवास में 500 करोड़ की महिला बेस्ड जैकेट फैक्ट्री भी लगेगी। बदरवास की बनी जैकेट की दुनिया भर में सप्लाई होगी।
यहाँ 450 करोड़ का निवेश गोदरेज कंपनी करेगी। उसमें गोदरेज पर्सनल केयर और होम केयर की यूनिट लगाएगी। साथ ही अंबानी ग्रुप 150 करोड़ का निवेश करेगा। अंबानी ग्रुप का यह निवेश फर्टिलाइजर और बायोगैस सेक्टर में होगा। साथ ही 500 करोड़ का निवेश ट्रॉपिकल फूड करने वाला है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश से अब मिसाइल, जेट और रॉकेट लॉन्चर को एनर्जी देने वाले फ्यूल भी बनेंगे। शिवपुरी में अडानी ग्रुप डिफेंस यूनिट लगाएगा। यह डिफेंस यूनिट 2500 करोड़ रुपए की लागत से लगेगी, जिसमें विमानों में प्रयोग होने वाला प्रोपेलेंट बनेगा। प्रोपेलेंट एक तरह का फ्यूल केमिकल होता है जो एनर्जी जनरेट करके विमान को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसे रक्षा और एविएशन से जुड़े सेक्टर में सप्लाई किया जाएगा। डिफेंस यूनिट से 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्वालियर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 4000 से ज्यादा उद्योगपति पहुंचे थे। सीएम ने उद्योगपतियों से बातचीत की थी, जिसमें सीएम मोहन द्वारा मध्य प्रदेश को नंबर वन बनाने का वादा दोहराया गया। ग्वालियर में आए रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव का बड़ा कारण ये रहा कि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर या इसके पास से गुजरते हैं। ग्वालियर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद ये साफ हो गया है कि ग्वालियर अब बीहड़ की जमीन नहीं रही, बल्कि ये उद्योग क्षेत्र की वो धरती बन चुकी है जहाँ से प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट। ग्वालियर से पहले संस्कारधानी जबलपुर में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। जबलपुर का इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी बेहद सफल रहा, जिससे निवेश और रोजगार के नए द्वार खुले। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन का आगाज हुआ था फरवरी के महीने में। सीएम के गृह क्षेत्र उज्जैन से उज्जैन में इस प्रकार का ये पहला आयोजन था, जिसने प्रदेश में निवेश के लिए रास्ते खोलने की नींव रख दी। मध्य प्रदेश रफ्तार के साथ विकास की दहलीज पर लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए भटकना ना पड़े, रोजगार के लिए पलायन ना हो, मध्य प्रदेश में निवेश ज्यादा से ज्यादा बढ़े, एमपी विकास के नित्य नए आयाम गढ़े। और इसी को ध्यान में रखते हुए एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल नगरी उज्जैन में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। 2 दिनों तक चले इस समिट में 19 से अधिक सत्र आयोजित किए गए। पहले दिन के सत्र मुख्य रूप से निवेश के अवसरों, एमएसएमई और भारत के विकास पर केंद्रित। दूसरे दिन मध्य प्रदेश में निर्यात के अवसरों, बाजार के विकास और बाजार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम का समापन साइट विजिट और क्रेता विक्रेता बैठक के साथ हुआ। उज्जैन हुई इन्वेस्टर समिट के दौरान 10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 17,000 से ज्यादा बेरोजगारों को अवसर प्राप्त हुए हैं। इस कॉन्क्लेव के अंतिम दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएमसी एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। एयर एम्बुलेंस दूर दराज के इलाकों से गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाएगी। सीएम ने कॉन्क्लेव में शामिल बिजनेसमैन से 1-on-1 चर्चा की और उन्हें मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित किया। प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी, 17,000 से ज्यादा को रोजगार मिलेगा। समिट में यूके, फिजी, जर्मनी, जापान, जामिया, मलेशिया समेत 12 से अधिक देशों के लोग इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। उज्जैन में इस इन्वेस्टर समिट से प्रदेश के विकास में 4 चांद तो लगेंगे ही, साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नंबर 1 एमपी का सपना भी साकार होगा। टीम न्यूज स्टेट। ये तो रही बात रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, लेकिन प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में निवेश के लिए इससे इतर प्रयास भी कर रहे हैं। कभी माइनिंग और खनिज कॉन्क्लेव कराए जा रहे हैं, तो साथ ही प्रदेश के बाहर जाकर भी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश के विकास रथ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास के पथ पर रोज नित नए आयाम गढ़ रहा है, और ऐसे में मध्य प्रदेश को विकास के पंख लगने जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे जो आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ का निवेश आ रहा है और प्रदेश समृद्ध प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। अब तक हमने आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुए इन्वेस्टर समिट के बारे में बताया, जहाँ पर बाहर से उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में बंपर निवेश की सहमति जताई। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ।
माइनिंग कॉन्क्लेव में 11 कंपनियों ने 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव न सिर्फ मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट कर निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश से बाहर जाकर दूसरे राज्यों और अन्य बड़े शहरों में निवेशकों को न्योता दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे और उन्होंने मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट का बीड़ा उठाया और निवेशक और उद्यमियों से संवाद किया। सीएम ने उद्योगपतियों को निवेश प्रोत्साहन नीति, नवाचार और विकास गतिविधियों से अवगत कराते हुए मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने की अपील की। बंपर विकास के लिए सीएम मोहन यादव ने उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा की। वहीं निवेश का न्योता देने के लिए मुख्यमंत्री बेंगलुरु भी पहुंचे। बेंगलुरु में हुए इंटरेक्टिव सेशन में डॉक्टर मोहन यादव ने यहां सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजाइन एवं निर्माण, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, एरोस्पेस एवं डिफेंस, ऑटोमोबाइल और OIM, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और मेडिकल डिवाइस क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ कोयम्बटूर और बेंगलोर बल्कि मुंबई और कोलकाता में भी बैठक कर उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश का आमंत्रण दिया, ताकि विकसित